नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ कंपोस्टिंग कंपोस्टिंग के आपके पास फाइव टाइप्स है पहला टाइप्स हम पढ़ते हैं बायोडक कंपोस्टिंग इट इंक्लूड पार्शली एरोबिक एंड एन एरोबिक प्रोसेस इसमें एरोबिक और एन एरोबिक प्रोसेस यानी ऑक्सीजन और बाहर ऑक्सीजन के वगैरह होते जनरली अप्लाइड एज प्री रिक्वेस्ट टू वर्मी कम्पोस्टिंग वर्मी कंपोस्टिंग आगे हम पढ़ेंगे ये ज़्यादातर हम वर्मी कंपोस्टिंग पर अप्लाई करते हैं बिकॉज बायोडक मेथड कैन डिस्ट्रॉय पैरासाइट्स क्योंकि बायोडक मेथड जो है वो पैरासाइट्स वगैरह को डिस्ट्रॉय करते हैं पेस्ट को और वेलिएबल सीड्स वगैरह को भी ये डिस्ट्रॉय करते हैं सीड वीड्स के जो यानी गर्म वगैरह को जो सीड्स होते हैं उसको क्या करते हैं डिस्ट्रॉय करते हैं ड्यू टू इंक्रीज टेम्परीचर क्योंकि पायल में टेम्परेचर अक्सर पचहत्तर साठ पैंसठ से पचहत्तर सीठग्रेड पर चला जाता है जिसकी वजह से ये तमाम तर ऑर्गेनिजम्स और ये सीड्स वगैरह डिस्ट्रॉय द पाइल कैन बी विद द वन और टू टाइम्स ये तमाम तर जो है है में तो एक से दो दफा आफ्टर थर्टी डेज इट रेडी फॉर वर्मी कंपोस्टिंग तीस दिन बाद ये वर्मी कंपोस्टिंग में चले जाते डेकिंग करते हैं आप जमीन में खुदाई करते हैं वहां पर गन के ढेर रख लेते हैं कुछ टाइम बाद दे ये देखते ये खत्म हो जाते हैं टेम्परेचर इंक्रीज हो जाते हैं कंडीशन उस पर पड़ जाते कुछ महीनों बाद तीस दिन बाद आप देख लेते तो उसमें वर्मी कंपोस्टिंग अब वर्मी कंपोस्टिंग क्या चीज है या तीसरे बारे वर्मी कंपोस्टिंग में आपके पास ज़्यादातर वर्म्स वगैरह होते हैं ठीक है ना फिर आगे हम पढ़ेंगे कंपोस्ट टी ये क्या होता है द लिक्विड सस्पेंशन मेड बाय मेकिंग कंपोस्ट इन वाटर पानी में पानी में जब आप कंपोस्ट को ऐड करते हैं कंपोस्ट कंपोस्टी उसको हम कंपोस्ट ही कहते हैं पानी में आप कंपोस्ट बन जाते उसको ऐड करते हैं उसका कलर चेंज होता था बिल्कुल ठीक की तरह तो वो आपके पास कंपोस्ट ठीक के जो कि फर्टिलाइजर में इस्तेमाल होता है लिक्विड स्प्रेड फिर उसी लिक्विड को आप स्प्रे करते हैं नॉन ईडिबल पार्ट ऑफ द प्लांट उस प्लांट के उस हिस्से पर जो कि खाते हम नहीं है ठीक है तो टू रिड्यूस पैथोजेनिक फंगस ताकि वो एरिया फंगस वगैरह से बच जाए नेक्स्ट आपके पास है वर्मी आल्सो आलसोकॉड वी कंपोस्ट वर्मी कैस्ट और वर्म मेनअर इसको हम ये तीन नाम से भी पुकारे जाते हैं फिर आपके पास है इट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ कंपोस्टिंग कम्पोस्टिंग एक ऐसा प्रोडक्ट है यूजिंग डिफरेंट स्पीशीज ऑफ जिस पे हम मुख्तफ किस्म के वर्म्स का इस्तेमाल करते हैं जैसे कि रेड रेगुलर्स वाइट वर्म्स अर्थ वर्म्स ठीक है इन चीज़ों का वर्मी कम्पोस्टिंग इज द एड प्रोडक्ट ऑफ द ब्रेक डाउन ऑफ द ऑर्गेनिक बाई वर्म्स जब वर्म्स के जरिए एक ऑर्गेनिक मैटर की डिकम्पोजिशन होती है उसके बाद जो आपके पास जो जो वेस्ट मटेरियल आपके पास मिल जाते हैं जैसे कि इसने हाथ में पकड़ा है दे देखो वेस्ट मटेरियल है वो वर्म्स के जरिए क्या हो गए डिकम्पोज़ हो गए तो उसको हम कहते हैं वर्मी कंपोस्टिंग वर्मी स्टेप्स टू मेक वर्मी कंपोस्टिंग किस तरह आप बनाएंगे टेक अ स्मॉल वुडन बॉक्स और डिग अ स्मॉल पिट एक गड़ा गोदे खोद ले या आप एक वुडन बॉक्स ले ले ठीक है स्प्रेड ऑन नेट ऑन योर बॉक्स बॉक्स में आप नेट जाल वगैरह बिछा दे आल्सो स्प्रेड वन टू टू सेंटीमीटर थिक लेयर ऑफ द सेंट सेंड एक से दो सेंटीमीटर आप उसमें डाल दे पुट सम किचन वेस्ट सच एस पील और फ्रूट आप किचन के वेस्ट या चिलके उसमें डाल दे टू कवर द सेंड ताकि सेंड वगैरह को कवर करें यूज ग्रीन लीवस टू कवर ओवर द सेंड सेंड को फिर लीवस वगैरह पर आप कवर करें स्प्रिंकल सम वाटर टू मेक दिस देयर वेट फिर उस पर पानी का कुछ यानी पानी का चढ़ यानी पानी को उस पर स्प्रेड करें जब पानी को आप उस पर स्प्रिंकल करेंगे तो इसकी वजह से ये थोड़ा सा वेट हो जाएगा बाय सम रेड वर्म्स एंड पुट इट इन टू यूअर पेट उस बॉक्स में या उस पेट में जो गड़ा आपने खोदा है उसमें आप कुछ रेड वर्म खरीद ले और उसमें उसको डाल दें बाय अच्छा जी गिव दैम वेजिटेबल एंड फ्रूट्स वेस्ट एज फूड इसको वेजिटेबल और दूसरे फूड के वेस्ट दिया करे एज ए फूड के तौर पर तीन चार हफ्ते बाद यू विल सी लूज ये जो गंद वगैरह होगी ये आहस्ता खत्म होते जाएंगे सॉयल लाइक मटीरियल इन दिट पिट में आपके पास कुछ सोयल लाइक मटीरियल बच जाएंगे रिमूव द मटीरियल फ्रॉम द बॉक्स बॉक्स से उसी मटीरियल को आप हटा लें ड्राई एट एंड सन सन में उसको ड्राई करें यूज़ दिस एज अनोर और इसको आप मिनवर यानी वेस्ट के तौर पर इस्तेमाल करें अभी आपके पास वर्मी कंपोस्टिंग है इसको आप पर अप्लाई करें आपके पास फर्टिलाइज हो जाएगा नेक्स्ट आपके पास है बुकाशी कंपोस्टिंग बुकाशी कंपोस्टिंग क्या होता है ये आपके पास डायग्राम है देखो ये सारा बुकाशी कंपोस्टिंग का अमल है ठीक है ये अब हम पढ़ते हैं कि बुकाशी कंपोस्टिंग ए मेथड तो ऑफ इंटेंसिव कंपोस्टिंग इस कार्ड बुकाशी कंपोस्टिंग एक शदीद किस्म का हाई टेम्परेचर इन मेथड है ठीक है बुकाशी आपके पास जापानी वर्ड से जिसका है जिसका मतलब फर्मेंटेड ऑर्गेनिक मेटर इट इज़ ऑफन रेफर टू एज द टाइप ऑफ कंपोस्टिंग इसको हम फर्मेंटेड ऑर्गेनिक मेटर भी कहते हैं क्योंकि इसमें ज़्यादातर फर्मेंटेशन का अमल होता है ये आपके पास वो कंपोस्टिंग को होता है बट इट इज़ एक्चुअली एन एरोबिक फर्मेंटेशन प्रोसेस ये एन एरोबिक यानी ऑक्सीजन इसमें दरकार नहीं होती क्योंकि अगर आप नीचे बॉक्स को देख ले ती, तीसरे नंबर पर जो बॉक्स है तो उसमें क्या है ऑक्सीजन वगैरह नहीं है सही तो ये ज्यादातर एन ओरबिक कंडीशन होते हैं, रिजल्टिंग इन मच डिफरेंट एंड प्रोडक्ट दैट देन दैट प्रोड्यूस वाया कंपोस्टिंग जब वेस्ट वग़ैरह आपके पास एन एरोबिक कंडीशन में डिग्रेड होते हैं उसको हम बुकाशी डिकम्पोस्टिंग कहते हैं बुकाशी कंपोस्टिंग कहते हैं अच्छा जी अनलाइक कन्वेंशनल कंपोस्टिंग ए बुकाशी कंपोस्टिंग बुकाशी सिस्टम मेक्स यूज ऑफ इफेक्टिव माइक्रो दैट आर एडेड टू द ऑर्गेनिक वेस्ट स्टोर इन अ बुकाशी बिन दूसरे कन्वेंशनल मेथड से जो बुकाशी सिस्टम है वो बहुत ज़्यादा असरअंदाज होता है माइक्रो आर्गेनिज पर देट आर एडिड टू आर्गेनिक वेस्ट आर्गेनिक वेस्ट पर आप माइक्रो आइॅनिज्म को ऐड करें एक बुकाशी बिन में यह आपके पास बुकाशी बिन है यह आप देख सकते ये बुकाशी बिन है इसमें आप माइक्रो आइनिज्म को ऐड करें आपके पास गंद वगैरह हो गंद को ऐड करें माइक्रो आइनिज़म को ऐड करें नेक्स्ट बुकाशी कम्पोस्टिंग प्रोवाइड द आइडल वे टू कम्पोस्ट इन डोरस ये जितने भी मकानात होते हैं वहाँ पर अगर आप बुकाशी कम्पोस्टिंग करें तो काफ़ी बेहतर होगा क्योंकि वहाँ पर यह क्विक सिंपल और आउटडोर फ्री होता है एंड एलो ऑल फूड वेस्ट टू कम्पोस्टेड और तमाम तर फूड को यह कम्पोस्ट कर लेता है इट इज़ ग्रेट वे ऑफ टर्निंग फूड क्रॉप्स फूड क्रॉप्स वगैरह को भी ये क्या करता है ख़त्म करता है इन टू प्लान रेडी न्यूट्रं प्लांट के न्यूट्रंस में इसको कन्वर्ट करते हैं जो प्लांट को जो न्यूट्रंस चाहिए ना तो ये उसमें उसको कन्वर्ट करते हैं कीपिंग वेस्ट आउट ऑफ द लैंड फिल एंड रिसाइकल एट होम और बजाय ये कि आप उसको खुदाई कर ले उसको डिग कर ले लेकिन आप उसको क्या करेंगे आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं अपने घर में नेक्स्ट आपके पास है इंडस्ट्रियल कंपोस्टिंग इंडस्ट्रियल स्केल कंपोस्टिंग इज द फॉर्म ऑफ इन वेसल इंडस्ट्री में आपके पास बड़े बड़े वेसल्स होते हैं यानी बड़े बड़े पाइप्स की शक्ल में आपके पास ये कंपोस्टिंग का अमल होते हैं एंड रोबिक डाइजेशन आपके पास होते हैं इन द मोस्ट वेस्टर्न कंट्री ज्यादातर वेस्टर्न कंट्रीज में होते हैं मैकेनिकल बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट मैकेनिकल सोर्टिंग ऑफ मिक्सड वेस्ट स्ट्रीम्स कंबाइंड विद द एरोबिक डाइजेशन और इन वेस्टल कंपोस्टिंग बड़े बड़े मशीनरी इसमें बड़े बड़े बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट प्लांट्स वगैरह इसमें इस्तेमाल होते हैं मशीन इस्तेमाल होता है जो कि एन एरोबिक कंडीशन प्रोवाइड करते हो इसी तरह आपके पास वेस्ट मटेरियल जो होते हो वो आसा डिकम्पोजिशन में चले जाते हैं दिस काइंड ऑफ कम्पोस्टिंग इज यूज इन डेवलपिंग कंट्री ड्यू टू रेगुलेशन ज्यादातर तरीके याफ्ता मालिक में इस्तेमाल होता है इफ़ दैट बायोडिग्रेडेबल मटीरियल ट्रीटेड बिफोर एडिंग टू टूल एंड इज एफेक्ट ग्लोबल वार्मिंग इज रिड्यूस बाई रिड्यूसिंग प्रोडक्शन ऑफ द मीथेन देखो ये इंडस्ट्री कंपोस्टिंग ज़्यादातर जो डेवलप कंट्रीज़ होते हैं वहाँ पर काफ़ी इस्तेमाल होते हैं क्योंकि अगर ये कंपोस्टिंग का अमल आप करेंगे तो आप खुदई कम करेंगे जब आप खुदई कम करेंगे लैंड फिल्स वगैरह आप कम करेंगे तो इसकी वजह से क्या होगा बिफोर एडिंग टू लैंड फिल्स आपके पास क्या होगा ग्लोबल वार्मिंग के असर कम होंगे क्योंकि इसकी वजह से आपके पास मीथेन गैस जो होगा वो कम प्रोड्यूस होगा नेक्स्ट एड एडमनटन कम्पोस्ट फैसिलिटेट अलबर्ट कैनेडा एडमनटन में भी कम्पोस्टिंग जगह का नाम है और अल्बर्ट कैनेडा ये एक ये भी एक जगह का नाम वहाँ पर भी कम्पोस्टिंग होते हैं वर्ल्ड लार्जेस्ट म्यूनसपल वेस्ट को कम्पोस्टर ये दुनिया के सबसे बड़े बड़े कंपोस्टिंग का जो प्रोसेस होता है वो इन ममालिक में होते हैं ट्वेंटी टू थाउजेंड टन ऑफ द सॉलिड वेस्ट बाईस हजार टन सॉलिड वेस्ट यहाँ पर कंपोस्ट इसकी होती है 22,500 टू टन ऑफ द ड्राई सोल बायो सॉलिड्स इन बड़े बड़े इतने टन्स आपके पास वेस्ट मटेरियल्स उसकी डिकम्पोजिशन होते हैं